हेलो एवरीवन, टुडेज हिंदी क्लास। माय नेम इज रेखा शर्मा, क्लास 7, हिंदी व्याकरण पार्ट 5, शब्द विचार। आप ये अपनी हिंदी व्याकरण, सचित्र हिंदी व्याकरण पुस्तक ओपन करके बैठेंगे। इसी का पार्ट 5 हम पढ़ा रहे हैं, शब्द विचार। क्या होता है शब्द विचार? आपके पिछली कक्षाओं में भी आए, शब्द किसे कहते हैं? तो आप जब भी अगर ऐसी डेफिनेशन आ जाती है तो क्या लिख के आएंगे? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। एक बार और माइंड करवा रही मैम, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्ण समूह को ही हम शब्द कहते हैं। ध्यान रखिए सभी। आगे देखिए, पेज नंबर 42 ओपन करके बैठेंगे। पहले चित्र में ईंटों का समूह दिया है, आप सब देख रहे हैं। पहले चित्र में ईंटों का समूह दिया है और दूसरे चित्र में ईंटों से बना मकान। अब ये हमें क्या पहचान दे रहा है? क्या पहचान दे रहा है? देखिए, किंतु यह समूह मकान नहीं है, ईंटों का व्यवस्थित रूप ही मकान का बना पाता है। इसी प्रकार वर्णों का समूह मात्र शब्द नहीं बनाता। शब्द बनाने के लिए दो बातें आवश्यक है, वर्णों का समूह और सार्थक समूह। तो ये होता है वर्णों का समूह और सार्थक। ये दो प्रकार के पहचान ही हमें शब्द तैयार करवाता है। जैसे कि शब्द में एक वर्ण भी हो सकता है, जैसे आ। शब्द एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, शब्द स्वतंत्र होता है। तो ये शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण हमेशा चार प्रकार से बताया गया है। आपके पिछली कक्षाओं में भी शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार से बताया है। पहला है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। पहले हम देखेंगे इसके शब्दों के चार वर्गीकरण। पहला है अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब पहला देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अब अर्थ के आधार पर शब्द भेद हम कैसे पता करेंगे? अर्थ की दृष्टि से शब्दों को निम्नलिखित दो प्रकार से बताया गया है। जैसे पहला है सार्थक शब्द, और जिन शब्दों से निश्चित अर्थ का बोध होता है, जिन शब्दों से निश्चित अर्थ का बोध होता है, फिक्स हो जाते हैं निश्चित है, हाँ ये ईंट है, ये रेत नहीं बन सकती है, तो ये हो गया हमारा निश्चित रूप, उन्हें ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमरा, पता है कि भी ये कमरा है, क्लासरूम है। पुस्तक, पता है ये पुस्तक ही है, अभ्यास पुस्तिका नहीं है, कॉपी नहीं है, नोटबुक नहीं है, ये पुस्तक ही है, फिक्स हो जाता है, निश्चित रूप बना देता है। गीता, गाड़ी, दीपावली आदि। हम दीपावली को कभी होली नहीं मना सकते। क्या दीपावली के दिन हम होली मनाते हैं? नहीं मनाते हैं। तो इसी प्रकार से अर्थ के आधार पर शब्द का जो ये पहला भेद है, ये हमें निश्चित अर्थ का बोध करा रहा है। ये फिक्स है कि आपके पास ये चीज है तो यही होगी, कोई अलग अर्थ नहीं देगा। तो सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद यहाँ बताए गए हैं। पहला है एकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, श्रुति संबंधार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये हम पिछली कक्षाओं में अलग अलग भी पढ़ चुके हैं। विलोम शब्द अलग से सेपरेट मैम ने बताया था। श्रुति संबंधार्थक शब्द, ये भी सेपरेट एक हमारा कॉलम दिया हुआ है, आगे आपके क्लास में भी आएंगे। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब सेपरेट होंगे। पर ये इसका अर्थ के आधार पर उसका दूसरा प्रकार है, सार्थक शब्द। अब इसका ख वाला शब्द है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। निरर्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध नहीं होता है, उन्हें ही हम निरर्थक शब्द कहते हैं। कोई अर्थ नहीं होता तभी तो निरर्थक कहलाएगा। कैसे? जैसे टर, चू, चोटी, वानी, चक, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार से जैसे चिड़िया चूचू करती है, अगर निरर्थक शब्द के साथ सार्थक शब्द का रूप लगे, सार्थक, जैसे चिड़िया सार्थक रूप है, इसके साथ हमने चूचू इसकी आवाज जोड़ देते हैं, तो ये शब्द निरर्थक का सार्थक हो जाता है। टर टर बंद कर दो, अधिक चक चक मत करो, इस प्रकार के ये शब्द निरर्थक शब्द होंगे। इसी का दूसरा प्रकार है रचना के आधार पर शब्द के भेद। अब इसका दूसरा प्रकार है
रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। पहला बेटा रूट शब्द, योगिक शब्द और योग रूट शब्द। ये पेज नंबर 42 और 43 पे आप रीड कर सकते हैं। इसी प्रकार से शब्द विचार का पूरा चैप्टर आपको रीड करना है, मैम ने छोटा सा एक्सप्लेन करवाया है। लास्ट इसमें पेज नंबर 44 तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द हिंदी के दो शब्द संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे गाय, आम, हार, अब इनका तत्सम और तद्भव रूप हम पेज नंबर 44 पे पहचान करेंगे। ये पूरी सारणी आपको रीड करनी है और लर्न करनी है। लास्ट प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, अब इसके भी दो भेद बताए गए बेटा, ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। वे शब्द जिनके रूप में वाक्य प्रयोग के समय परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इन्हें चार प्रकार से बांटा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इस प्रकार से आपको पूरा रीड करना है, लर्न करना है, समझना है जो मैम समझा रहे हैं। सेकेंड है अविकारी शब्द, वे शब्द जो वाक्य प्रयोग के दौरान नहीं बदलते। वाक्य प्रयोग के दौरान नहीं बदला जाता वो अविकारी शब्द कहलाता है। इसी प्रकार से बेटा आप अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तिका में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये था आपका पार्ट 5 शब्द विचार।